अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग फ्रॉम एलओसी कश्मीर। आज है हमारा कश्मीर में लास्ट डे और हम यहाँ इस रेस्टोरेंट पे आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी बिकॉज बहुत भूख लगी थी। तो हमने ब्रेकफास्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए हैं एक वाटरफॉल की तरफ जो कि आगे एक टूरिस्ट पॉइंट पे बना हुआ है, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे सीधा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मेरी कज़न सिस्टर ने की है हमारी रात के खाने पर दावत, तो वहाँ हम करेंगे डिनर और उसके बाद हम जाएंगे स्टेशन बिकॉज आज रात हमारी ट्रेन है कराची के लिए। तो रस्ते में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया था, बहुत हसीन हो गया था और पूरे रस्ते बारिश हो रही थी, तो मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था वापस जाने का बिकॉज हमेशा ये मेरे साथ होता है कि जो भी हमारा ट्रिप का लास्ट डे होता है उस दिन मौसम इतना प्यारा हो जाता है कि फिर आपका दिल नहीं चाहता कि आप वापस जाओ। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी पूरे रस्ते को, पूरे मौसम को, लेकिन जो मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उनको डर लग रहा था कि ऐसा ना हो बारिश की वजह से यहाँ लैंड स्लाइडिंग हो जाए और हम पर स्टक हो जाए, हम जा ना सके, हम ट्रेन कैच ना कर सके। तो यह ये सब तो होता रहता है खैर, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप रस्ते को, उस मोमेंट को फुली इंजॉय करो बिना डरे, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहना है। अपनी तरफ से आप एहतियात जरूर करें मगर इतना भी ना डरें कि आप अपना रास्ता, अपना ट्रिप इंजॉय ना कर सकें। तो यह ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबको हर पल, हर मोमेंट, हर वक्त बस इंजॉय करना चाहिए बिकॉज लाइफ कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त मैं रोड पे ही घूम रही हूँ, थोड़ा साइड में पिक्चर्स वगैरह बनवा रही थी रोड पर और हमने एक स्टॉप लिया है, वॉशरूम ब्रेक लिया है। ये रही हमारी गाड़ी, हाला रवेश भाई वहाँ खड़े में है ना भाभी। ये रही, ये व्यू है यहाँ का जहाँ हमने ब्रेक लिया है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम सब। और आज का ये आउटफिट है मेरा और हम जा रहे हैं रावलपिंडी। जी ताबी, ये रही मेरी दोनों प्यारी प्यारी लड़कियां एक ही जैसे ड्रेसेस में, ये जा रही हैं गाड़ी के ऊपर बैठने एंजॉय करने बारिश को, क्योंकि खूब मज़ेदार बारिश हो रही है। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रही है या नहीं, नीचे शायद आ रही हो, पिक्चर बनाओ रुक जाओ। बाबा को कितने पकौड़े वाला कब आएगा? मैं दे रही बात कर रही तो जूतों का कुछ ऐसा हाल हुआ है, नंगे पैर जा रही हूँ बिकॉज जगह जगह पानी है, आगे तो बहुत ज्यादा पानी है, इसकी वजह से शूज मैंने उतार लिए, बाकी सबने पहने हुए और आए रखे उतरवाए उधर से पट्टे से, यहाँ से नहीं उधर से रस्ता है, ये तलाल कूदा है यहाँ से। I'm
आगे है वो बड़ा है सवाद वाला, खड़े हैं सारे पूरे सामने गाड़ी में खुद चढ़े माहिन लोग पूरे हम आ गए। सो अनफॉर्चुनेटली अलजन्नत आबशार पे भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बिकॉज समटाइम्स मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक व्लॉगर हूँ, मुझे यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। मैं बस मोबाइल साइट पे रख के उस मोमेंट को फुली इन्जॉय करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी हुआ कि मैंने बस वो मोमेंट फुली इन्जॉय किया, मोबाइल साइट पे रख दिया था। सो प्लीज़ बेयर विद मी। उसके बाद फिर हम पहुँचे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुँचते ही हम मेरी कज़न सिस्टर के घर चले गए थे, वहाँ हमने डिनर किया। तम्मो ने बहुत अच्छा खाना बनाया था और मेरे बाकी कज़न्स भी आए हुए थे, उनसे भी खूब बातें हुई। और उसके बाद फिर टाइम शॉर्ट था तो इसलिए हम फॉरन स्टेशन के लिए निकल गए थे। स्टेशन हम लोग पहुंचे थे रात तकरीबन 12-12:30 बजे के करीब। हमारी ट्रेन थी खैबर मेल, खैबर मेल में हमने बिजनेस क्लास में बुकिंग करवाई हुई थी और वहां पहुंचते हम इतने थके हुए थे कि हम सब ट्रेन में जाते ही सो गए। उसके बाद उठने के बाद सबने कुछ गेम्स वगैरह खेले, बच्चों ने इंजॉय किया, कुछ स्टेशन गुजरे, कुछ क्लिप्स मैंने दूसरों से लिए हैं, सो प्लीज माइंड मत कीजिएगा अगर वीडियो क्वालिटी खराब हो तो। उसके बाद फिर बस कराची आ गए और कराची पहुंच के हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ट्रिप बहुत अच्छा गुजरा हमारा। आई होप आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।